पुरा वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं, उनको दो कैटेगरीज में क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज क्या है बेटा, इसमें उपयोगिता की वस्तुएं, यानी जो वस्तुएं क्या की जाती थी डेली यूज में इस्तेमाल जिनका किया जाता था, ठीक है। जैसे किस किस तरह की डेली यूज में कहते थे इनको, स्टोन, उसके साथ साथ क्ले, ओके, इन जैसे इन सभी क्या किया जाता था, इन मटेरियल से बनाया जाता था। कौन कौन सी इस तरह की चीजें मिली हैं, क्वांस, पोटरी, नीडल्स और बॉडी स्क्रब, जिसे क्या करते थे, जैसे एट द टाइम ऑफ बाथिंग दे यूज एज अ स्क्रबर। ये सभी बेटा ऑब्जेक्ट्स क्या मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, ओके, ये डेली यूज की चीजें थी। इसके अलावा सिविलाइजेशन के एविडेंसेस में क्या और क्या मिलता है बेटा, इसके अलावा लग्जरीज आइटम्स भी अवेलेबल होते हैं। लग्जरीज आइटम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैंस से बनी हुई चीजें, फयांस, फयांस क्या था बेटा, फयांस एक तरह से क्या किया जाता था, मिला करके बनाया जाता था, किस किस को मिला करके, यहाँ पे सैंड यानी रेत, ठीक है, और प्लस उसमें कलर, ठीक है, इसको साथ ही साथ इसमें प्लस क्ले बेटा, इनको मिक्स करके क्या किया जाता था, एक धातु बनाई जाती थी, ऑब्जेक्ट बनाया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, फयांस। और ऐसा कंसीडर किया जाता था ऑब्जेक्ट्स ऑफ किया कि जो फयांस है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था, और इसमें जो हाई फाई प्रोफाइल कैटेगरी के जो लोग थे वो ही इस तरह के आइटम्स को, फयांस से बने हुए बर्तन वगैरह को इनको यूज किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ लग्जरियस वर रेयर एंड मेड फ्रॉम प्रीशियस, प्रीशियस यानी कीमती, प्रीशियस नॉन लोकल मटेरियल, नॉन लोकल मटेरियल यानी जो आसपास हरप्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स थी उनमें नहीं अवेलेबल होता था, बाहर से ला करके बनाया जाता है। नॉन लोकल मटेरियल्स प्लस में द टेक्नोलॉजी यूज्ड वाज एडवांस्ड, इनको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी बेटा वो बहुत ज्यादा एडवांस होती थी, एंड कॉम्प्लिकेटेड यानी बड़ी मुश्किल होती थी, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जटिल मुश्किल, ठीक है। इनमें क्या क्या मिले हैं बेटा, जैसे लिटिल पॉट्स ऑफ फयांस, ठीक है, ये बहुत कंसीडर क्या किया जाता था, प्रीशियस, ओके। दिस शोज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएशंस इन दी हरप्पन सोसाइटी, क्या हमें जो कई साइड से बेटा वहां से और इस तरह के जो एविडेंसेस जैसे फयांस वगैरह के हैं हमें मोहनजोदड़ो, ठीक है, इस तरह की साइड से ही मिले हैं। मोहनजोदड़ो आप याद है आपको कि यहाँ पे क्या था, लोअर टाउन एंड सिटाडेल दो पार्ट्स में क्या बटा हुआ था, ये शहर डिवाइडेड था। तो यहाँ पे जो बेटा जो लोअर टाउन है वहां पे पॉटरी वगैरह के बने हुए सामान, डेली यूज के स्टोन, क्ले, क्वैन, पॉटरी, नीडल्स, बॉडी स्क्रबर्स, ये सारी चीजें हमें अवेलेबल हुई है। और जो सिटाडेल था वहां पे उससे हमें फयांस से बने हुए बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे पुरावस्तु आर्टिफैक्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे फाउंडेड हुए हैं। तो उन सारी चीजों से क्या कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंसेस था एक आम इंसान और धनी लोगों के बीच में, ठीक है। सो एज अ कंक्लूजन क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे बेटा इनके में डिफरेंस था, क्यों। एक और चीज यहाँ पे क्या हम मेंशन कर सकते हैं कि जो बेटा बेरियल्स थे, सम प्लेसेस पे बेरियल्स हमें किससे मिले हैं हरप्पन सिविलाइजेशन में, जो बेरियल्स मिले हैं साइट्स द डेड वर लेड इन पिट्स, यानी साधारण गड्ढों में हमें क्या मिले हैं,
बॉडीज मिली हैं, शव दबे हुए मिले हैं, बट एट सम इंस्टेंसेस, बट एट सम इंस्टेंसेस क्या मिलता है हमें, दी हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रेक्स, यानी कुछ स्थानों पे तो हमें बेटा जो इक्विबुरियल्स हैं वो किस तरह से मिलते हैं कि ऐसे ही साधारण गड्ढों में शव जो हमें दबे हुए मिलते हैं, और एट सम इंस्टेंसेस कुछ जगहों पे द हॉलोड आउट स्पेस वर लाइंड विद ब्रेक्स, ठीक है, क्या बना हुआ है, शव के जो जो शव शवग्रह है उसके चारों तरफ, कब्र के चारों तरफ किस तरह की चिनाई मिलती है यहाँ पे, ब्रेक्स की, सन ड्राइड ब्रेक्स की, यानी वही क्या करते थे, वो धूप में पका करके बेक्ड करते थे, उन ब्रेक्स को वो यूज किया करते थे। तो इन सारी चीजों से भी फाइनली हम क्या कह सकते हैं एज ए कंक्लूजन की टू मैथड्स आर यूज बाय द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई टू ट्रैक द सोशल डिफरेंसेज ऑफ एनी सिविलाइजेशन पीपल। फर्स्ट वन इज बेटा है हमारा यहाँ पे स्टडी ऑफ बुरियल्स, ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड इज यूज बाय आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ बुरियल्स एंड सेकेंड इज आर्टफैक्ट्स, यानी बुरियल्स शव किस तरह से दफनाए जाते थे, क्या उनका फॉर्मेट होता था, धनी लोगों के शव में क्या के साथ साथ क्या क्या चीजें मिली है, जिसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, फॉर इंस्टेंस कई साइट्स पे हरप्पन सिविलाइजेशन के क्या मिले हैं कि बुरियल्स के साथ साथ कॉपर क्या मिले हैं, कॉपर मिरर मिले हैं, तांबे का फ्रेम किए हुए यहाँ पे मिरर मिले हैं, ठीक है, और कई जगहों पे क्या मिले, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कहीं पे साधारण ऑर्नामेंट मिलते हैं और कहीं पे बहुत ज्यादा प्रीशियस ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जाता, गैसिंग की जाती है कि शायद कि जो गरीब लोग हुआ करते होंगे, निचले तबके के लोग थे, वो क्या करते थे, उनके शवों को एक साधारण से क्या किया जाता था, जैसे गड्ढों में डेड वर्स लेड इन द पिट्स में, ठीक है, जबकि जो रिच पीपल हुआ करते थे वहां के, उनकी जो कब्र थी उसको हॉलोड आउट स्पेस वर लाइन विद ब्रिक्स किया जाता था। साथ ही साथ नेक्स्ट मेथड है बेटा यूज बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर्टफैक्ट्स पुरावस्तुएं में एक तो आपका क्या आ जाता है, यूटिलिटेरियन यानी उपयोग की वस्तुएं, डेली यूजेस की चीजें जो मिली हैं, स्टोन क्ले जिन नगरों से मिली हैं, ठीक है, क्वेरेंस पॉटरी नीडल उसके साथ साथ में बॉडी स्क्रबर्स, और दूसरे मिलती है लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो लग्जरियस में जैसे फैंस वगैरह हो गए, ऑब्जेक्ट्स लग्जरियस था उस समय पे, और जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए दैट वाज आल्सो सो एडवांस एट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम एंड कॉम्प्लिकेटेड, ओके, लिटिल पोर्ट्स ऑफ फैंस। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सोशल डिफरेंसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, टिल देन Keep continuing your study. Thank you.